अस्सलाम वालेकुम जी आया बिस्मिल्लाह। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि रात को आज हम किधर निकल आए हैं, तो ये सामने आप मेट्रो स्टॉप देख रहे होंगे और ये फैसाबाद है। कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो क्या होगा। आज फिर से हम निकलने लगे हैं अपने एक सफ़र पे। तो आज का हमारा सफ़र है कि रावलपिंडी से हम जा रहे हैं लाहौर वाली साइड। तो हमारे साथ रहिएगा, वहाँ पर भी लाहौर में जो कुछ होगा, जगह वगैरह जहाँ पर जहाँ पर जाएंगे, जो कुछ खाएं पिएंगे वो आपके साथ साथ विजिट कराते रहेंगे। तो हमने जो नहीं है इरादा किया है कि स्काई वे के थ्रू जो नहीं है लाहौर का सफ़र करने का। तो वापसी पे शायद कोई और हम बस सर्विस ले लें या ट्रेन वगैरह ले लें, वो भी चलो आपको साथ साथ बताएँगे। लेकिन इस वक्त जो हमने जाने का प्रोग्राम किया है, रात को तकरीबन इस टाइम बज रही है 11:30 और 12 बजे टाइम मेरे ख्याल में गाड़ी निकलेगी यहाँ से, रावलपिंडी से फैजाबाद से। तो ये स्काई वे जो हमने टिकट लिया है तो इसका जो थ्रू जाएंगे कि आप थोड़ा सा विज़िट कर लें बाहर से। स्काई वे का खिलाड़ी अड्डा है, इसको कहते हैं बस अड्डा, ये आप चेक कर सकते हैं। एक साथ ही जो नहीं है ये मेट्रो स्टेशन है फैजाबाद का, इसका भी आपको पूरी वीडियो आपको मेरी बैक की वीडियो में प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगी। तो बाकी ये नहीं है स्काई वे बस वगैरह लगी हुई है, हमारी ये नहीं है, लेकिन ये चेक कर सकते हैं इस तरह की हमारी बस होगी। वो चलो जब आएगी चेक कराते हैं, अभी 11:30 हुए हैं तो आपको पास चेक कराते हैं। चलें अब आगे आगे हम अफसर चलते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं स्काई वे का। रात का सफ़र करेंगे आज लाहौर का, फर्स्ट टाइम हम स्काई वे यूज़ करने लगे, जैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा वो भी आपसे शेयर करेंगे। ये इसका बूथ है, टिकट बूथ कर रहा है, आप चेक कर सकते हैं। मौकफ कैमा कैमी या कुछ तो कह नहीं सकता कि रात का दूसरा पैर ऐसे चल रहा है। ये चेक कर सकते हैं आप टिकट, दो बंदे हम जा रहे हैं, 3200 रुपये टिकट है, पर पर्सन जो नहीं है 1600 है। बाकी आप चेक कर सकते हैं, अभी गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं। वेटिंग एरिया में आ गए, स्काई वे का वेटिंग एरिया है, बस को थोड़ी देर तो मैं कह सकता हूँ आपको फास्ट फूड गाड़ी मिल जाएगी। आप चेक कर सकते हैं स्काई वे, ये वाली बस है हमारी, ये जाएगी ये बस, इसका भी चेक कर सकते हैं आप स्काई वे के साथ है। चलिए अंदर से चलते हैं, तो आपको अंदर से विजिट करते हैं। आप इसको अंदर से चेक करें, सीट्स वगैरह चेक करें, काफ़ी आरामदेह सीट्स हैं।
सामान रखने की जगह। जी हमने स्टॉप किया है रास्ते में जाते हुए, तकरीबन अब टाइम हुआ है 3:15 बजे का। तो डेरा के डेरा इंटरचेंज है, वहाँ पे हमने स्टॉप किए। शॉप्स वगैरह हैं काफ़ी सारी, अगर आपने कोई चीज़ वगैरह लेनी है ले सकते हैं। इसी स्काई फे के थ्रू जो हमने लाहौर का सफ़र कर रहे हैं, ये उसके आपको मैं थोड़ा चेक करवा दूँ, चेक करा सकते हैं। आपका 3:15 बजे हैं, बाकी आप चेक कर सकते हैं। ये आपको टक शॉप्स वगैरह मिल जाएंगी, मिल्क शेक वगैरह मिल जाएगा। वो सामने आपको राहत बेकरी नज़र आ रही होगी, ये बाकी सब आप चेक कर सकते हैं। रात का व्यू है, आपको मैकडोनल्ड्स भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये समय आप चेक करें, मैकडोनल्ड्स भी है। सारी शॉप्स हैं, चेक कर सकते हैं आप। रेस्टोरेंट वगैरह भी है, रेस्टोरेंट भी है, खाना वगैरह भी आप खा सकते हैं इस भी यहाँ पर। काफ़ी अच्छा व्यू है। हाँ जी, फाइनली हम लाहौर पहुँच चुके हैं।
तो टाइम तो आपने देखा होगा कि हम कितने बजे पहुँचे, हमने अभी 5:37 मिनट हुए थे, 5:37 हुए थे। तो आप सफ़र का बारे में, सफ़र काफ़ी अच्छा था स्काईवेज का, तकरीबन 5.5 घंटे में उसने पहुँचा दिया, रास्ते में स्टे वगैरह भी किया है और किराए के लिहाज से भी ठीक था। तो बाकी अब चलते हैं, हम कमरा वगैरह लेते हैं, तो उसके अलावा कमरे में थोड़ा रेस्ट करते हैं और उसके बाद जो है आपको जहाँ जहाँ हम रोड में सैर करेंगे तो जहाँ जहाँ जो कुछ खाएँगे तो साथ साथ आपको बताते जाएंगे। हमारे साथ रहिएगा और हमारा व्लॉग को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं, काफ़ी सारी थकावट होती है, थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद भी निकलते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन आज का व्लॉग हमारा यहीं ख़त्म करते हैं, तो अब काफ़ी सारा रेस्ट करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के पास।